हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नया प्रस्ताव जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने मंजूर कर दिया है, और वो ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ये जो प्रस्ताव है, ये जो स्कीम है, वो है आपके न्यू प्रमोशन क्राइटेरिया को लेके। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था वो आर्टिकल, जिस आर्टिकल के तहत ये चीज़ें हुई है, और वो आर्टिकल पीटीआई की हवाले से था। यानी ये कंफर्म कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं अब जो नया प्रमोशन क्राइटेरिया है वो अब आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रहे थे कि सर इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, सर एक डिटेल वीडियो बनाइए, किन किन कॉलेजेस पे ये लागू होगा, क्या अभी के जो करेंट के स्टूडेंट हैं क्या उन पर ये लागू होगा या नहीं होगा, या ऐसे स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं क्या उन पर लागू होगा या नहीं होगा। तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और बारीकी से आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसका पूरा प्रोसीजर एक्चुअली होगा क्या इसमें। देखिए, अभी तक क्या होता था, मैं बात कर रहा हूँ एनपी वाले बच्चों की, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लिया, 2022 के बच्चे, 2023 के बच्चे और उसके आगे जो भी स्टूडेंट, यानी 2021 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है एनपी के तहत, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। पहली चीज़, ये वीडियो अकेले किसी एक कॉलेज के लिए नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज है, चाहे उसमें रेगुलर के सारे कॉलेज, SOL भी इसके अंदर इंक्लूड है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और आपका नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड जिसे NCVB बोला जाता है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं सबके अंदर ये जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। पहले तो जान लेते हैं कि पहले वाली पॉलिसी क्या बोलती थी। देखिए, अभी तक क्या होता था, अभी तक होता ये था कि मान लीजिए अगर आपको प्रमोट होना है, प्रमोशन का मतलब क्या है, यहाँ प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट एग्ज़ाम दिए पास हो जाओ, जी नहीं, यहाँ प्रमोशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक ईयर से दूसरे ईयर में जाना है तो आपको इतने सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी था, इसी को प्रमोशन बोला गया, ईयर प्रमोशन इसको बोला जाता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर में जाके जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, उनको आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको आपको पेपर को क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के साथ, इतना कंफर्म है अगर आपको डिग्री चाहिए। जब तक सारे पेपर को आप पास आउट नहीं करोगे, सारे पेपर क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तब तक आपका कोर्स इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब प्रमोशन क्राइटेरिया की बात यह है कि पहले का क्या नियम था, पहले का नियम ये था, अभी तक का नियम यही था कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है, एनपी वाले बच्चों की बात हो रहा है, क्योंकि CBCS का ऐसा नियम है नहीं, तो जो पुराने बच्चा अगर कोई देख रहा है 2021 बैच का स्टूडेंट, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आप तो वैसे ही प्रमोशन आपको मिला ही मिला है, बट ये एनपी के अंदर ये लागू किया गया था। पहले 50% का क्राइटेरिया था, मतलब कि आपको पास होने के लिए 50% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी था, अब तक का नियम, मतलब कि जैसे टोटल आपके 7 सब्जेक्ट आपके एक सेमेस्टर में, टोटल सब्जेक्ट आपके 14 हैं, तो यानी 50% के हिसाब से आपके 7 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ता था नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिया, अगर मुझे सेकंड ईयर में जाना है तो मुझे उन दोनों सेमेस्टर को मिला के 50% सब्जेक्ट में मुझे पास होना पड़ता था। बट दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसको मंजूरी दे दी गई है, और उसको मंजूरी देने वाले कोई और नहीं, वाइस चांसलर है हमारे योगेश जी, उन्होंने ही इसको मंजूरी दे दी। यानी ये अब कंफर्म हो गया है कि ये जो रूल है ये अब काफ़ी जल्दी दिल्ली विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इसमें होगा क्या, होगा ये कि 13% इसमें इंक्रीज कर दिया गया है आपका पासिंग क्राइटेरिया, मतलब कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर में जाना है तो अब 50% की जगह, पहले 50% था, अब आपको 63% सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, यानी 63% मार्क्स आपके आने चाहिए एक ईयर में अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ, टोटली आप मान के चलो अगर आपको नेक्स्ट ईयर में जाना है तो पहले आप 7 सब्जेक्ट में पास होते थे 14 में से, अब आपको 9 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी रहेगा अगर आपको अगले ईयर में जाना है। तो समझ में आ गई बात, यानी 63% का सीधा सीधा जो मतलब है वो 9 सब्जेक्ट है, पहले ये सब्जेक्ट 7 थे बट अब 9 है। मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा कि हम ये चीज़ गिनी क्यों रहे हैं, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं तो सारे गिन के चलूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ मैं तो सारे में पास हो जाऊँ। अगर काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर ये तो बहुत गलत हो गया, सर ये तो बैड न्यूज़ है, ये सैड न्यूज़ है, देखिए इसमें कोई बैड न्यूज़ सैड न्यूज़ वाली बात फिलहाल तो मुझे लगती नहीं, क्यों, क्योंकि आप दोनों सेमेस्टर की परीक्षा आप दे रहे हो,
क्या आप 9 सब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते? क्या आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट है ही नहीं? मैं तो एक बार जानता हूँ बैक कितने में आ सकती है, 1 में आएगी, 2 में आएगी, क्या 6 में बैक आ सकती है? हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप एक सेमेस्टर पूरा मिस कर देते हो तब तो आप फेल ही माने जाओगे, फिर आपको दोबारा से उसी ईयर से शुरू करना पड़ेगा, तो वो सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं होगा। ये उनको प्रॉब्लम होगी जो एग्ज़ाम स्किप करेंगे, बट जो एग्ज़ाम देकर आया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 14 में से आप 6 में फेल हो गए या 7 में फेल हो गए? मैं देख रहा था काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आए थे कि सर ये तो बहुत गलत कर दिया सर, इसलिए हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा। आप ये सोच ही क्यों रहे हो? मैं तो एक चीज़ जानता हूँ आप सोच ही क्यों रहे हो, आप तो 100% चलिए, सिंपल सी बात है। जब तक आप 100% सोच के नहीं चलोगे तब तक 63% तो मुझे लगता नहीं आ पाएंगे। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, आप 63% मत सोचिए। क्या आप 9 सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं? मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ, क्या आप सिर्फ 9 सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं? बस मैं तो कह रहा हूँ 10 में पास हो, 12 में पास हो, क्या दिक्कत है? 1-2 में बैक आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे लगता नहीं है ये इस रूल से उन स्टूडेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हुए आ रहे, अच्छा एग्ज़ाम देते हुए आ रहे, और 6-7 सब्जेक्ट में फेल होना अपने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो अलग बात है जो स्किप कर देते हैं, जिनका छूट जाता है उनके लिए तो प्रॉब्लम है। देखो सिंपल सी बात है, यानी कुल मिला के बात है कि अब तो आपको सेमेस्टर देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपको अगले ईयर जाना पड़ेगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। यानी कुल मिला के बात यह है 63% अब इंक्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका क्रेडिट पॉइंट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसको इंक्रीज किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर अभी जैसे जो करंट के जो बैच के स्टूडेंट हैं 2022 और 2023 बैच के जो स्टूडेंट हैं, क्या ये रूल उन पर इम्प्लीमेंट होगा? देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पहली चीज़ इम्प्लीमेंट की बात है कि ये रूल ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा, ये तो कन्फर्म है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो रूल है ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद पास किया है और वाइस चांसलर की समिति द्वारा इसको पास किया गया है, यानी कि ये कानून बन चुका है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले जो रिजल्ट होंगे या एडमिशन होंगे उसमें इस रूल के तहत ही आपका एडमिशन हो, मतलब अभी जो अभी तक एडमिशन खैर शुरू भी नहीं हुए है, जैसे अभी एडमिशन होना है आपका 5th सेमेस्टर का और अब अभी एडमिशन होना है 3rd सेमेस्टर का। हो सकता है अगर ये रूल इम्प्लीमेंट कल हुआ है, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी हो जाएगा और ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इस रूल में ये बोला गया है, इसमें कोई सेशन का नाम नहीं दिया गया है। जब मैंने इसका ड्राफ्ट जब पढ़ा था तो उसमें ये लिखा हुआ है कि NAP वाले जो बच्चे हैं उनका 50% अब तक था, उसको अब 63% हम करें। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये जो नया रूल लाया गया है, ये नया रूल पुराने बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा और नए बच्चों को भी करेगा, यानी ये रूल दोनों के लिए लागू होने के पूरे चांसेस। नए के लिए तो हो गया ही होगा जो इस साल एडमिशन ले रहा है, बट जो पुराने बच्चे 2022-23 के बैच के बच्चे उनके ऊपर भी ये रूल जरूर लागू होगा, क्योंकि इतना कन्फर्म है। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही है कि जब भी कोई रूल बनता है तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा है नहीं पुराना रूल के तहत, पुराना रूल क्या है, आप तो NAP के बच्चे हो, ये रूल NAP के ऊपर लागू किया गया है, 50% को ख़त्म करके 63% लाया गया है, और इस जिस समय लाया गया उस समय आप खुद देखिए अभी रिजल्ट आ रहे हैं, यानी अभी एडमिशन भी होना में समय है, यानी ये रूल तब लाया गया। तो आप इससे कन्फर्म कर आप सोच सकते हो कि ये जो रूल है ये ज़रूर ऑल स्टूडेंट के लिए इम्प्लीमेंट होगा, इतना तो कन्फर्म है। यानी कि जो बच्चे ये सोच रहे कि हम तो 2022-23 बैच के स्टूडेंट हैं हमारे ऊपर नहीं होगा, जी नहीं, आप अब यही सोच के चलिए कि अब हमें 7 की जगह नहीं 7 सब्जेक्ट में पास नहीं होना, अब हमें 9 सब्जेक्ट में पास होना है। क्योंकि अब आप इसका जो रिजल्ट है ना, जब भी एडमिशन शुरू होंगे अब आपको तब पता चल जाएगा, जो भी स्टूडेंट 9 से कम में अगर पास होता है वो उसको नेक्स्ट ईयर का जो फॉर्म है वो सो ही नहीं करेगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो रूल है ये इसको मंजूरी मिली है, मंजूरी नहीं मिलती या अगर ये होल्ड पर रहता चर्चा में रहता तो अलग बात है, बट इसको मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इतना आप कंफर्म कर लीजिए कि ये जो नया रूल है, ये जो इंक्रीजमेंट किया गया है, इससे सारे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, मुझे लगता नहीं कि उन बच्चों को कोई फ़र्क पड़ेगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। सारे एग्ज़ाम दो, अच्छे देकर आओ, क्या ज़रूरत है 9 की, आप तो मैं कह सकता हूँ सब में पास हो जाओ। उनके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है जो एक सेमेस्टर स्किप करते हैं और एक सेमेस्टर के भरोसे रहते हैं, उनके लिए तो बैड न्यूज़ है, बट ऐसे बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं मुझे लगता नहीं इस रूल से उनका कोई मतलब है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बताऊँगा, ये नियम तो बदलते रहते हैं। हाँ, नियम है, न्यू प्रमोशन क्राइटेरिया जो निकाला गया है
इससे फ़र्क तो पड़ेगा, बट इतना आप सोच के चलिए कि जहाँ आप अभी तक 50% एफर्ट आप कर रहे थे, अब 63% आपको एफर्ट से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। यानी पास होने के लिए आपको टोटल 9 सब्जेक्ट में आप पास होना पड़ेगा। ये रूल ऑल स्टूडेंट के लिए रहेगा, जितने भी एनपी वाले बच्चे हैं, यानी 2022, 2023 और आने वाले जितने भी बैच रहेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अब वो अलग बात है कि कल को कोई और इसमें चेंजेस होते हैं वो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो जो स्थिति है वो एज इट इज़ है। आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, इसको मंजूरी मिल चुकी है, अब ये कानून है। और मुझे लगता है कि अपकमिंग जो सेमेस्टर एडमिशन्स होंगे आपके, उसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, यही इसमें है नियम। और ये नियम एसओएल के लिए भी रहेंगे, एनसीबीएफ के लिए भी रहेंगे, रेगुलर के लिए भी रहेंगे।